हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑन आवर यूट्यूब चैनल जीनियस माइंड। और आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे प्रैक्टिस सेट 1.3 का क्वेश्चन नंबर 3 का सम नंबर 3, मतलब सारी चीज़ें 3। देखिए, ये इसके जो पहले का है क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 वो अपलोडेड हो चुका है। अगर आपने नहीं देखा, बेसिक के साथ अपलोड किया है। आज हम क्वेश्चन नंबर 3 और इसके आगे के क्वेश्चन को सॉल्व आउट करेंगे। तो चलिए मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन की तरफ। इसमें ये प्रैक्टिस सेट के इस क्वेश्चन में हम क्या लगा रहे हैं, क्रेमर्स रूल, जिसमें हम डिटर्मिनेंट्स की हेल्प ले रहे हैं। देखिए, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, कंपेयरिंग करते हैं। जो कोई भी ये वीडियो को डायरेक्टली देख रहा है, मेक श्योर कि आप इसका वीडियो नंबर 1 देखकर आ रहे हैं, क्योंकि वो पार्ट देखेंगे तो ये पार्ट आपको क्लियरली समझ में आएगा, जल्दी समझ में आएगा। यहां पर आप क्या करते हैं, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 किसके साथ, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, a1x plus b1y is equal to c1। तो जब आप इक्वेशन 1 को कंपेयर करेंगे तो आपका a1 का वैल्यू कितना आएगा, देखो यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1, तो a1 का वैल्यू 1, सिमिलरली b1 का वैल्यू कितना आएगा 2, और c1 का वैल्यू कितना आएगा -1। आपको साइन भी लिखना है, अगर प्लस है तो प्लस लिखना है, माइनस है तो माइनस लिखना है। चलिए आगे देखिए, उसके बाद आप क्या करेंगे, वापस आप लिखेंगे कंपेयरिंग इक्वेशन विद इक्वेशन 2 किसके साथ, कौन है वो, a2x plus b2y which is equal to c2। इसे आप बोलते हो स्टैंडर्ड फॉर्म। तो कभी कभार आपको एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे देते हैं कि राइट द गिवन लीनियर इक्वेशन इनटू स्टैंडर्ड फॉर्म, तो ज़्यादा सोचने का नहीं भाई लोग, स्टैंडर्ड फॉर्म यही है, अरेंज करके लिखने का बस। चलिए, a2 का वैल्यू आपका कितना हो जाएगा, a2 का वैल्यू अगर आप देखो तो 2 हो जाएगा, b2 का वैल्यू अगर आप देखो तो -3 हो जाएगा, और c2 का वैल्यू अगर आप देखो तो क्या हो जाएगा, 12। इतना काम करने के बाद आपको पता है सबसे पहला कॉलम कौन सा बनेगा, d का बनेगा। तो जब d बन रहा है तो पहले इसमें क्या आता है, a1 b1 a2 b2। तो जब आप यहाँ पर वैल्यूज को पुट अप करेंगे तो a1 का वैल्यू आपको कितना दिया है, 1, फिर ये 2, फिर ये 2, ये आपका -3। इसके बाद आप डिटर्मिनेंट में एक्सपर्ट हो, क्या करना है आपको, देखो -3 मल्टीप्लाई बाय 1 करना है ये फर्स्ट ब्रैकेट, फिर माइनस डालना है, फिर 2 मल्टीप्लाई बाय 2 करना है विच इज इक्वल टू -3 इंटू 1 करूंगा तो कितना होता है -3, ये हो जाएगा -4 विच इज इक्वल टू -7। तो आपका डी का वैल्यू कितना आ गया, -7। इसे आप कहाँ पर पुट अप करेंगे, इन द बॉक्स, ये आपका डी हो गया। डी के बाद आपका क्या आता है, डी एक्स आता है। तो डी एक्स के लिए देखिए यहीं पर लिखता हूँ, डी एक्स के लिए आप क्या डालोगे, मॉड में आप यहाँ पर क्या लिखोगे, बी वन और बी टू आपका सेम रहने वाला है, एक्स बोला तो ए हटेगा, ए हटेगा तो वहाँ पर कौन आता है, सी वन एंड सी टू आएगा। सिमिलरली आप जब वैल्यू उसको चेंज आउट करेंगे तो यहाँ से ए का वैल्यू हटेगा तो 2 और -3 ऐसे ही रहने वाला है, C1 और C2 की जगह कौन आएगा भाई लोग, -1 और 12। फिर इसके बाद एक ही कहानी है, क्रॉस मल्टीप्लाई, दैट इज़ -3 -1 के साथ मल्टीप्लाई होगा -1, फिर यहाँ पर माइनस आता है ये टोटल ब्रैकेट में, और ये हो जाता है 2 × 12। तो ये कितना होगा, -, प्लस 3 × 1 = 3, यहाँ पर माइनस, 12 × 2 = 24। अब इसको माइनस करेंगे तो आंसर आपका नेगेटिव आएगा, -21। तो डी एक्स का वैल्यू आपका कितना हो गया, -21 हो गया। डी एक्स निकाल लिया, अब इसके बाद आप क्या निकालते हो, डी वाई निकालते हो। चलिए तो डी वाई देखते हैं, डी वाई के लिए सिंपली आप क्या करते हो, मॉड बनाओगे, मॉड में यहाँ पर आपका a1 और a2 ऐसे ही रहने वाला है, बट चेंजेस क्या होगा, b1 और b2 की जगह क्या चेंज होगा, c1 और c2 चेंज होगा। जब ये वैल्यू चेंज हो रहा है तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे, मॉड डालोगे, a1 और a2 का वैल्यू आपको कितना दिया, देखो यहाँ पर दिया a1 और a2 का वैल्यू, दैट इज योर 1 और 2। तो यहाँ पर क्या लिखूंगा मैं, 1, और यहाँ पर क्या लिखूंगा, 2, और c1 और c2 की जगह वैल्यू क्या डालूंगा, -1 और 12, क्योंकि ये वैल्यू मेरा -1 और 12 है। इसे सिंपली फिर मैं क्या करने वाला हूँ, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 12 × 1 ये फर्स्ट ब्रैकेट, फिर माइनस का साइन, फिर -1 × 2, तो 12 × 1 = 12, -, प्लस, और ये 2 हो गया, तो ये टोटल वैल्यू हो जाएगा आपका 14। तो डी वाई का वैल्यू आपका कितना हो गया, 14। अब मुझे क्या करना है, स्टेप लिखना है, बाय क्रेमर्स रूल। क्रेमर्स रूल हमको क्या बोलता है, एक्स का जो वैल्यू रहेगा वो डी एक्स बाई डी होता है, और वाई का जो वैल्यू रहेगा वो डी वाई बाई डी होता है। अच्छा, डी एक्स का वैल्यू देखो कितना, इधर -21, तो इधर रखेंगे -21, और डी का वैल्यू कितना मिला, -7, तो यहाँ पर पुट अप किया -7, तो वैल्यू आता है 3। सिमिलरली जब मैं डी वाई की बात करता हूँ तो ये होता है 14 डिवाइडेड बाय -7 विच इज इक्वल टू -2। क्यों, क्योंकि माइनस जब भी रहेगा डिनोमिनेटर में तो उसे हम कहाँ पर शिफ्ट करते हैं, न्यूमरेटर में। तो इससे मेरा सोल्यूशन क्या आएगा, सोल्यूशन इज एक्स कॉमा वाई विच इज इक्वल टू 3, -2। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया, प्लीज टेक नोट ऑफ दिस। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ मूव करते, देखते ये क्वेश्चन क्या बोलता है। इसमें भी हम सिंपली स्टार्ट करेंगे, फर्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा, कंपेयरिंग
कंपेयरिंग इक्वेशन वन किसके साथ कंपेयर करेंगे, विथ, कंपेयरिंग इक्वेशन वन विथ ए वन एक्स प्लस बी वन वाई इज इक्वल टू सी वन। तो यहाँ से आपका ए वन का वैल्यू आपको कितना मिलेगा, ए वन इज इक्वल टू सिक्स, बी वन इज इक्वल टू माइनस फोर एंड सी वन इज इक्वल टू माइनस ट्वेल्व। और जब आप सेकेंड इक्वेशन को कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, कंपेयरिंग इक्वेशन टू विथ किसके साथ कंपेयर करेंगे, ए टू एक्स प्लस बी टू वाई इज इक्वल टू सी टू के साथ। तो यहाँ पर आपका ए टू का वैल्यू कितना होगा, ए टू इज इक्वल टू एट, बी टू इज इक्वल टू माइनस थ्री और सी टू इज इक्वल टू माइनस टू हो जाएगा। फिर आपका फर्स्ट स्टेप क्या होएगा, डी होएगा, डी में आप वैल्यू क्या लिखेंगे, ए वन, फिर यहाँ पर आएगा बी वन और ये होगा ए टू, यहाँ पर आएगा बी टू, फिर से आप मॉड पुटअप करेंगे। जब आप मॉड पुटअप करेंगे तो ए वन का वैल्यू आपको कितना है सिक्स, बी वन का वैल्यू कितना माइनस फोर, ए टू का वैल्यू कितना है एट और ये कितना है माइनस थ्री। इसे जब आप सॉल्व आउट करेंगे तो सिक्स इंटू माइनस थ्री हो जाएगा ये फर्स्ट ब्रैकेट आपका, और माइनस का साइन डालेंगे फिर सेकेंड ब्रैकेट क्या होगा, एट इंटू माइनस फोर, ये आपका सेकेंड ब्रैकेट, सिक्स थ्री ज़ा एटीन तो ये माइनस एटीन हो गया, यहाँ पर माइनस आएगा, एट फोर ज़ा थर्टी टू तो ये माइनस थर्टी टू हो गया। जब आप इसे आगे सॉल्व आउट करेंगे तो एटीन हो जाएगा ये और ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, और जब आप इसे माइनस करेंगे तो आपका वैल्यू आपको कितना मिलेगा, फोर्टीन। तो डी का वैल्यू आपको कितना मिल गया, फोर्टीन मिल गया। सिमिलरली जब आप डी एक्स के लिए सॉल्व करेंगे तो डी एक्स में आपको बोला है ए वन ए टू का वैल्यू आपको हटाना है, तो यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, डी एक्स, फिर आपका आएगा ब्रैकेट, ब्रैकेट की बात करेंगे तो बी वन और बी टू सेम रहने वाला है। अब ए वन और ए टू की जगह आपको कौन सा वैल्यू आएगा, सी वन अपॉन सी टू, अपॉन नहीं इन द सेंस सी वन और सी टू। फिर जब मैं मॉड लगाऊंगा तो सी वन का वैल्यू मुझे कितना दिया है, माइनस ट्वेल्व, तो यहाँ पर मैं क्या रखने वाला हूँ, माइनस ट्वेल्व और ये वैल्यू मेरा माइनस टू। बी वन और बी टू का वैल्यू कितना है, माइनस फोर एंड माइनस थ्री। अब इसे आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस थ्री मल्टीप्लाई बाय माइनस ट्वेल्व ये फर्स्ट ब्रैकेट होगा, फिर माइनस का साइन, फिर माइनस फोर मल्टीप्लाई बाय माइनस टू। अभी सॉल्व करेंगे तो माइनस माइनस क्या होगा, प्लस हो जाएगा और फोर थ्री ट्वेल्व थ्री आपका क्या हो जाएगा, थर्टी सिक्स हो जाएगा। सिमिलरली फिर यहाँ पर माइनस रहेगा, फिर ये फोर टू ज़ा एट, माइनस माइनस प्लस, तो ये आपका कितना हो जाएगा, थर्टी सिक्स माइनस एट, थर्टी सिक्स माइनस एट अगर आप देखते हैं तो कितना वैल्यू होता है आपका, ट्वेंटी एट। तो आपका जो डी एक्स का वैल्यू रहेगा वो कितना रहेगा, ट्वेंटी एट रहेगा। सिमिलरली नेक्स्ट पार्ट जब मैं सॉल्व करता हूँ तो डी वाई मुझे निकालना है। डी वाई के लिए अभी आपको बोला है कि ए वन और ए टू का वैल्यू आप वैसे रखोगे, किसको चेंज करोगे, बी वन और बी टू को, तो बी वन और बी टू की जगह क्या आएगा, सी वन और सी टू आएगा और ए वन और ए टू आपका सेम रहने वाला है, ए वन और ए टू। फिर मॉड डालूंगा, फिर वैल्यू, सी वन और सी टू का वैल्यू कितना, माइनस ट्वेल्व और ट्वेल्व, तो यहाँ पर मेरा वैल्यू कितना आएगा, माइनस ट्वेल्व और माइनस टू, और ए वन और ए टू का वैल्यू कितना, सिक्स और एट, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, सिक्स और यहाँ पर कितना आ जाएगा, एट। फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा तो सिक्स मल्टीप्लाई बाय माइनस टू ये फर्स्ट ब्रैकेट, फिर माइनस का साइन, फिर माइनस ट्वेल्व मल्टीप्लाई बाय एट ये मेरा नेक्स्ट ब्रैकेट। इसे सॉल्व आउट अगर आप आगे करते हो तो ये कितना आ जाएगा, सिक्स टू जा ट्वेल्व तो ये हो गया माइनस ट्वेल्व, फिर ये माइनस ट्वेल्व एट जा नाइन्टी सिक्स, तो माइनस नाइन्टी सिक्स विच इज इक्वल टू माइनस ट्वेल्व प्लस नाइन्टी सिक्स। अब इसे सॉल्व करेंगे तो माइनस होगा, तो नाइन्टी सिक्स माइनस ये करेंगे तो कितना हो जाता है आपका वैल्यू, 84 हो जाएगा। तो dy का वैल्यू आपको कितना मिल गया, 84। अभी आपको क्या लिखना है, therefore by Cramer's rule। जब आप क्रेमर्स रूल लगाते हो तो x का वैल्यू कितना होगा, dx by d होगा। अच्छा, dx का वैल्यू कितना दिया आपको, 28। तो यहां पर आप क्या लिखोगे, 28 डिवाइडेड बाय 14, तो ये वैल्यू आपका हो जाएगा 2। और y की बात करूंगा तो ये हो जाएगा dy by d, dy का वैल्यू कितना है, 84 डिवाइडेड बाय 14। जब आप इसको करोगे तो ये आपका वैल्यू कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 6 से डिवाइड होगा। देयरफॉर सॉल्यूशन कितना आएगा, सॉल्यूशन क्या है, x कॉमा y विच इज इक्वल टू 2,6। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया, प्लीज टेक अ नोट ऑफ दिस। अगर आपको वीडियो पसंद आई, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि हाँ यहाँ पर कुछ इंटरेस्टिंग पढ़ाया जा रहा है, तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और भी वीडियोस देखिए, बहुत सारे वीडियोस चैनल पर अवेलेबल है। तब तक के लिए हैव अ गुड डे एंड टेक केयर।